अभिमन्यु की ओछी हरकत के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं तुमने अपनी बीवी से, अपनी बेटी से। बेटी किरण वॉज प्रेग्नेंट विद अभिमन्यु चाइल्ड और उसने अबॉर्शन करवाया। कांग्रेचुलेशंस। सबसे पहले तो बेबी के फादर का मुंह मीठा करवाते हैं। मुबारक हो, अब तो पापा भी बन गए। बेबी तो इन्होंने आपको दे दी, लेकिन अब आपको भी इनकी केयर करनी पड़ेगी। चलो क्यों आए हो यहाँ? सिमरन और बच्चे से मिलने। अब यहाँ पर किसी पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। Get lost! बाबा, प्लीज। बेटा, you don't even speak to this rascal. अंकल, बाहर चलते हैं। मानस, I don't understand. यही है, बाद में बात कर लेंगे। I'm sure she wants to talk to him. Please. कुछ काम था मुझसे। सिमरन, हमारी बेटी हुई है ना? मुझे बेटी हुई है। कहाँ है वो? क्यों जानना चाहते हो तुम? सिमरन, तुम ये बच्चा चाहते ही नहीं थे ना अभी। नहीं बाप, अब ऐसा नहीं है सिमरन। मेरी बेटी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है अभी। No, Abhi, I'm sorry. Please leave. Please leave. I'm sorry, Simran. आइंदा ये शक्ल मेरे हॉस्पिटल में नजर नहीं आनी चाहिए, और ना ही मेरी बेटी से मिलने की कोशिश करोगे तुम तो गोली का आदमी। आखिर दिखाई देना अपनी साथ। एक अवार्ड क्या मिल गया, सर आसमान पे पहुंच गया। देखिए, मैं सिमरन से मिलने के लिए आया था। सिमरन, सिमरन, अब कुछ नहीं लगती तुम्हारी। सारा छोड़ दो। क्या छोड़ दूँ? जब मेरी बेटी नर्स से तड़प रही थी, तब कहाँ थे तुम?
सिमरन के साथ जो तुमने बर्ताव किया है क्या मैं जानता नहीं हूँ? एक एक हरकत देख रहा हूँ तुम्हारी कई महीनों से। बेशर्म सिमरन, अब कुछ नहीं लगती तुम्हारी। अतुल प्लीज अगर छोड़ दी मानस क्या? प्रेग्नेंट कंडीशन में सिमरन को छोड़कर उस लड़की के साथ घूमता था ये, पूछो इससे। और किस सिमरन से मिलने आया है जिसके साथ ये रहता ही नहीं था? और सिमरन बेचारी इसकी इज्जत रखने के लिए हमें सफाई देती थी। That he's busy, he's shooting my bloody foot. उस लड़की के साथ घूमता था ये, पूछो इससे, पूछो, जवाब दे, कहाँ घूमता था, किसके साथ? क्यों? अब जुबान क्यों बंद हो गई तुम्हारी? I'm warning you, दोबारा सिमरन से या उसकी बच्ची से मिलने की कोशिश मत करना, अच्छा नहीं होगा। अंकल प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। अंकल आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड, ये अस्पताल है, इतने सारे आप लोग यहाँ क्या खड़े हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ? चलिए अपने काम में चलिए, चलिए। बेहतर होगा तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ। अभिमन्यु सॉरी बट कैसे कैसे बर्दाश्त किया होगा सिमरन ने इसे? बात हो क्या? प्लीज घर चले सर। अंगला प्लीज इस वक्त घर चले जाइए, हम लोग हैं यहाँ सिमरन के लिए, देखभाल के लिए। I'm sorry. It's fine. It's okay. हम तुम्हें डिस्चार्ज कर सकते हैं, तुम अब एकदम ठीक हो, तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। एक बात कन्फेस करती हूँ तुमसे, जब तुम्हें यहाँ लेकर आए तुम्हारी प्रीमैच्योर डिलीवरी देखकर मैं डर गई थी। तुम्हारी मेंटल स्टेट और ब्लड प्रेशर बढ़ने की टेंडेंसी से तो मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन जब मैंने तुम्हारा पॉजिटिव एटीट्यूड देखा और बच्चे के लिए सेफ डिलीवरी की कोशिश देखी तो मेरी भी हिम्मत बढ़ गई। तुम तो जैसे खुद पेशेंट भी थी और डॉक्टर भी। आई नो, मैं उस लास्ट मिनट वीक नहीं पढ़ना चाहती थी डॉक्टर। आई वांटेड माय चाइल्ड टू बी सेफ अगेंस्ट ऑल ऑड्स, लेकिन अब मुझे सुकून सिर्फ तभी मिलेगा जब मैं अपने बच्चे को अपने गोद में उठाऊंगी, उसे फील करूंगी। बट आई थिंक यू विल हैव टू वेट फॉर दैट। बेबी को कुछ दिनों के लिए इनक्यूबेटर में रहना होगा। डॉक्टर मानस अच्छी तरह से केयर एंड प्रिकॉशन ले रहे हैं। डॉक्टर, क्या मुझे हॉस्पिटल से उसे मिले बगैर जाना पड़ेगा? नहीं सिमरन, ये तुम्हारा हॉस्पिटल है। बेबी को जब तक तुमको दे नहीं देते तुम यहीं रह सकती हो। नहीं, दैट्स अनएथिकल। मेरा हॉस्पिटल हुआ तो क्या हुआ? आई डोंट वांट टू टेक एनी स्पेशल लिबर्टीज। और ऐसे वक्त जब बच्चा इनक्यूबेटर में होता है तो माँ का उससे अलग रहना ही ठीक होता है, और मैं भी ऐसा ही करूँगी। लेकिन आप मुझे समझ आए कि ऐसे वक्त उन माँओं पर क्या बीतती है।
प्लीज डॉक्टर दलाल, आप मुझे आज ही डिस्चार्ज कर दीजिए। एज यू विश। सौरभ, सिमरन को आज ही डिस्चार्ज कर रहे हैं। और बच्ची को? उसे कुछ दिन रहना पड़ेगा यहाँ पे। तुम ऐसा करो, यहाँ पे आ जाओ, रश्मि को भी साथ ले आओ। दीदी देखो, सिमरन आ रही है तो कुछ तैयारियां तो करनी पड़ेंगी ना। अमितू से उसके वेलकम के लिए मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, उसकी जरूरत के हिसाब से उसके कमरे को बनाना होगा। आप एक काम करो ना दीदी, आप आ जाओ यहाँ फौरन, मैं सिमरन को लेने आ जाता हूँ। सौरभ, क्या सिमरन हमारे घर आएगी? ऑब्वियसली दीदी, और कहाँ जाएगी? सिमरन ने कहा तुमसे। अरे इसमें कहने वाली क्या बात है दीदी, आप भी कमाल करती हैं। एक तो डिलीवरी के बाद उसे अपने घर आना चाहिए, और दूसरा वो और कहाँ जाएगी। एनीवे दीदी, आप फौरन निकलिए वहां से, मैं रश्मि को लेकर पहुंच रहा हूँ। ओके भाभी, हम आपको लेने आए हैं। यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद आप हमारे घर चल रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, तुम दोनों ने बहुत कुछ किया मेरे लिए। भाभी, बोलने की बात तो अलग है, मौका तो अब आया कि हम आपके लिए कुछ कर सकें। आपने हमारे और समर के लिए जो कुछ भी किया है, उसका एक अंश भी हम आपके लिए कर सकें तो विल बी रियली हैप्पी। और भाभी, मैं एक बात बता देती हूँ, मेरी भतीजी मेरे घर आएगी तो डायपर्स, चेंजर्स, नैपिस, ये सब मैं करूंगी। लेकिन आंटी मैं क्या भाभी, एक बच्चा पाल लिया तो कौन सा मुश्किल है, दूसरा क्या, तीसरा भी पल जाएगा। थैंक्स अ लॉट, मगर मैंने तय कर लिया है, डिस्चार्ज होने के बाद मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि दोनों मेरे मैके और मेरे ससुराल वाले मेरा बहुत ध्यान रख रहे हैं। बट आई होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ से मैं अपनी बच्ची के साथ अपने घर जाना चाहती हूँ। पर भाभी, डिलीवरी के बाद आप अकेली कैसे रहेंगी? मैं मैनेज कर लूंगी आनंदी, और फिर शगुना भी तो है। बट आई प्रॉमिस यू, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं तुम दोनों को जरूर बुलाऊंगी। आई होप आप मेरे फैसले को गलत नहीं समझ रहे या बुरा नहीं मान रहे। अरे नहीं भाभी, भाभी अब हम चलते हैं, आप प्लीज अपना ध्यान रखिए। चाहती थी, बीवी और बच्चे अस्पताल में पड़े हैं डेलिकेट कंडीशन में, और तुम ये किस पेशेंट के पास ले आए हैं आप? क्या बात करनी रह गई इसे? देखो आनंदी, आपको लगता है ये बात करने लायक है? एक मिनट आनंदी, मैं बात कर लूं। देखो देखो, अभी मैं आनंदी को यहां पर जबरदस्ती लेकर आया हूं। इस वक्त वो तुमसे बहुत नाराज और बहुत अपसेट है, क्योंकि उसे अपने भाई से ऐसी उम्मीद जरा भी नहीं थी। तुम्हें तो याद ही होगा, तुम्हारी बहन ने कैसे उसूलों के बल पर तुम्हारी और भाभी की शादी को सपोर्ट किया था, और आज वो तुमसे बात तक करना नहीं चाहती। पर मैं नहीं चाहता कि ऐसे क्रूशियल मौके पर हम सब इमोशनल होकर अपनी रीजनिंग पावर खो बैठे। देखो अभी जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, उसे हम लोग बदल नहीं सकते,
अभी मैं जानता हूं कि तुम भी बहुत पछता रहे हो और लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि तुम्हारे और भाभी के बीच में दूरियां बढ़ती चली जाएं। तुम्हारे पास अब भी एक चांस है, एक लास्ट चांस है कि तुम दोबारा भाभी के साथ अपना घर बसाओ। अगर भगवान ने चाहा तो ये जरूर होगा। अभी तुम्हारी अब एक बच्ची भी है। कैसी दिखती है वो? Oh, she's beautiful. पर वो नन्ही सी जान अब अभी थोड़ी नाजुक है, थोड़ी कमजोर है। शायद तुम्हारे ही किए की सजा भुगत रही है वो। इसे मैं घर कब ले जा सकती हूँ मनस? तुम भी बिल्कुल आम पेशेंट जैसी बातें कर रही हो। डॉक्टर हो, यू नो द एग्जैक्ट फिजिकल कंडीशन ऑफ द चाइल्ड। अभी तो बिल्कुल नहीं ले जा सकती, जानती तो तुम। लेकिन इस वक्त तो ये डॉक्टर नहीं है अंकल, इसीलिए डॉक्टरों को उनके दोस्तों का या रिश्तेदारों का इलाज नहीं करने दिया जाता। ऐसे इमोशनल होने लगे तो कोई इलाज कैसे होगा? चलो चलो अभी घर जाओ, थोड़ा आराम कर लो। उसके बाद जब ये शैतान घर में घुस जाएगी तब सारा आराम हराम हो जाएगा। डॉक्टर, हम बेबी को घर कब ले जा सकते हैं? यही कोई दो तीन दिनों में। ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। डॉक्टर सिमरन, अब आपसे मुलाकात कब होगी? अभी तो इनके बच्चे हमारे पास है तो इनको आना ही पड़ेगा। आगे बताना। टेक केयर डॉक्टर सिमरन। आई विल। चलिए पापा। सिमरन, चलो बेटा घर आ गया। हम यहाँ क्यों आ गए पापा? अपने घर आई हो बेटा। मेरा घर नहीं है। ये तुम्हारा ही घर है। अमला बुआ ने सारी तैयारियां कर रखी हैं तुम्हारे लिए। बच्चे, अब तुम हम सबके साथ रहोगी यहाँ। What are you saying, पापा? प्लीज पापा, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे अपने घर जाना है। देखो सिमरन, अब प्लीज जिद मत करो, तुम मेरे साथ। रश्मि, दीदी को लेकर अंदर आओ। पापा, पापा मैं नहीं आऊंगी। बेतुकी बात मत करो सिमरन, चुपचाप चलो। अपने पापा की बात नहीं मानोगी? देखो ना दीदी, जिद कर रही है, कह रही है कि आपके घर में नहीं रहूंगी। सिमरन, ये क्या है बेटा? बुआ, मैं थोड़ी ना जानती थी कि आप मुझे यहाँ ले आएंगे। मुझे अपने घर जाना है बुआ। डिलीवरी के बाद लड़की अपने महके ही तो आती है बुआ। दैट्स नॉट रूल। नहीं बेटा, रूल तो नहीं है, पर तू घर में अकेली है और फिर अभी बच्ची भी तो आने वाली है। ऐसे वक्त में लोगों की जरूरत पड़ती है। नहीं बुआ, मैं ख्याल रख लूंगी, और शगुना भी तो है मेरे साथ। आई डोंट बिलीव दिस सिमरन। शगुना तुम्हारा और बच्चे का ख्याल रख सकती है, और हम सब नहीं। कैसी जिद है ये? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिमरन, व्हाई यू डूइंग दिस टू मी? सिमरन प्लीज, अपने पापा के लिए आ जाओ। पापा जी प्लीज, ये पापा की नहीं मेरी बात है, मुझे भी एक स्टैंड लेना है। अब क्या स्टैंड लोगे बेटा तुम? पापा ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मुझे भी कुछ फैसले लेने हैं, दिस इज द राइट टाइम। ठीक, जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहां से, सारे रिश्ते नाते तोड़कर चले जाओ यहां से। ट्रैवल मेरे घर चला।